शिमला जिला के रामपुर पर आसपास कोई घटना हो तो पुलिस को चिकित्सकों की मनमानी के कारण पीड़ित का मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इससे पीड़ित का समय पर MLC न होने के कारण अपराधियों को संरक्षण मिल जाता है। ऐसे ही एक मामले में 18 घंटे से बुजुर्ग महिला का महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है। हालांकि बुजुर्ग की बिगड़ती हालत को देख चिकित्सालय में भर्ती किया गया, लेकिन MLC के लिए बुजुर्ग को चिकित्सालय से छुट्टी कर पहले अपने क्षेत्र में MLC करने के लिए पुलिस को कहा गया। ये कोई पहला मामला नहीं जब ऐसी घटना हुई हो। चिकित्सकों का कहना है कि पीड़ित जिस क्षेत्र से लाया गया है उसी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में MLC बनाई जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि कोई घटना हो जाती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे चिकित्सक नहीं होते और अवकाश के दिन केंद्र बंद रहता है। ऐसे में पीड़ित को फर्स्ट एड के लिए रामपुर के खनेरी चिकित्सालय लाया जाता है, लेकिन खनेरी के चिकित्सक पहले ही MLC करने से इनकार करते हैं। निवेदन पर अगर राजी भी हो जाएं तो पहले संबंधित क्षेत्र के खंड चिकित्सा अधिकारी का लिखित अनापत्ति मांगा जाता है। ऐसे में दुष्कर्म या अन्य गंभीर जख्मी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और अपराधी को समय मिल जाता है। पीड़िता के पुत्र बोवी ने बताया कि ग्रामीणों ने उनकी मां से मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी लाया, लेकिन 16 घंटे बीत जाने के बाद भी MLC नहीं किया। अब मरीज को PHC गोरा ले जाने के लिए कहा जा रहा है। पीड़िता की रिश्तेदार पूनम ने बताया कि उनकी बुआ के मलकियत खेत से ग्रामीणों ने जबरन JCB मशीन से सड़क निकाली और उनसे मारपीट की है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बुआ को पुलिस खनेरी चिकित्सालय लेकर आए, लेकिन संबंधित चिकित्सक ने MLC नहीं की और दूसरे चिकित्सकों को भी MLC न करने के निर्देश दिए। निवेदन करने पर घायल को दाखिल तो कराया गया, लेकिन कई घंटे बीत जाने पर भी MLC नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सरकारी व्यवस्थाओं की सामंजस्य की कमी के कारण पीड़ित लोगों को मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। DSP रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि उनका क्षेत्र विकट और फैला हुआ है। आपराधिक एवं अन्य घटनाओं में छुट्टी के दिन गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं होते, इसलिए तत्कालिक जरूरत को देखते हुए खनेरी चिकित्सालय पीड़ित एवं घायल को लाया जाता है, लेकिन चिकित्सक चाहे वे दुष्कर्म पीड़ित हो घटना मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए कहते हैं। इससे पीड़ित के साथ साथ पुलिस को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा है और विभाग ने निर्देश भी दिए हैं, इसके बाद भी चिकित्सक सहायता नहीं करते। खनेरी चिकित्सालय के कार्यकारी प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है कि खनेरी चिकित्सालय में आसपास के काफी क्षेत्रों से मरीज आते हैं और उनके इलाज का ध्यान रखना जरूरी है। MLC संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हो सकता है जिस क्षेत्र में वारदात हुई हो, बाकी मरीज की हर तरह से भी चिकित्सीय मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर में भी चिकित्सक हैं, ठाणे के नजदीक होने के कारण वहां MLC हो सकती है। ऊना पुलिस ने त्योहारी सीजन में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। सदर थाना ऊना की टीम ने ऊना संतोषगढ़ रोड पर गांव रामपुर में नाकेबंदी की हुई थी। इसी के दौरान पुलिस टीम ने दो पिकअप गाड़ियों को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान पुलिस ने गाड़ियों से 181 पेटियां शराब की बरामद की। जब गाड़ियों के चालकों से शराब के दस्तावेज मांगे गए तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में खामियां पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने शराब सहित दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। पुलिस अब ये जानने का प्रयास कर रही है कि शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था। SHO ऊना सदर थाना दर्शन सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। गौतम महाविद्यालय हमीरपुर में पिछले कल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया, जिसमें प्रदेश भर के 70 महाविद्यालय के
खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आगाज गौतम कॉलेज हमीरपुर और घुमारवीं के टीमों के बीच मैच से हुआ। इस मैच में गौतम कॉलेज ने कड़े मुकाबले में घुमारवीं को शिकस्त दी। इससे पहले गौतम कॉलेज के सचिव डॉक्टर रजनीश गौतम ने प्रतियोगिता में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। कोच ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 70 महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इस प्रतियोगिता का समापन 17 अक्टूबर को होगा और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इसमें मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुकाबले के अन्य मुकाबलों में अर्की कॉलेज की टीम ने जोगिंदर नगर को हराया और लंच कॉलेज ने कंडाघाट और रोहनट कॉलेज ने बैजनाथ को हराया।